हायर एजुकेशन कमीशन के जेर एहतमाम हॉकी चैंपियनशिप में 14 यूनिवर्सिटीज की टीमों ने हिस्सा लिया। ये चैंपियनशिप नॉकआउट फॉर्मेट के तहत खेली जा रही है, जिसके बाइस दूर दराज से आई हुई टीमों को पहला मैच हारने के बाद ही घरों को लौटना पड़ा। खिलाड़ियों में इस फॉर्मेट के हवाले से शदीद तहफुजात पाए जाते हैं और उनका कहना है कि इस तरह उनकी मेहनत को जाया किया जा रहा है। चेंज होना चाहिए, ग्रुप मैचेस होने चाहिए, तो एक तो लड़कों को मैचेस खेलने का मौका ज़्यादा मिलेगा, दूसरा जो शायकीन होंगे तो वो भी ज़रा इंटरेस्टेड, जो टीमें होती हैं ना, अक्सर एक अच्छी टीम होती है एक कमज़ोर टीम होती है, तो दोनों जब दोनों कमज़ोर टीमें सामने आएंगी और दोनों अच्छी टीमें सामने आएंगी तो हर एक मैच जो होगा वो अच्छा मैच होगा। लीग सिस्टम में मैचेस होने चाहिए क्योंकि इतनी दूर से भी काफ़ी लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं और इन्जॉय करने के लिए आते, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होने चाहिए। लीग सिस्टम में एक्चुअली होना चाहिए क्योंकि वो ये सारे प्लेयरों को चांस भी मिल जाता है खेलने में और लीग सिस्टम बहुत अच्छा है। ये नॉकआउट सिस्टम में तो एक टीम में अच्छे भी प्लेयर हों वो बैड लक हो जाती है कभी, तो वो टीम ड्रॉप हो जाएगी। चैंपियनशिप की मेज़बान पंजाब यूनिवर्सिटी के एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स फरत हुसैन सिद्दीकी भी नॉकआउट फॉर्मेट को नाइंसाफी करार देते हैं, ताहम उनका ये भी कहना है कि वो बेबस हैं। जब एक टीमें दूर से आती हैं और मतलब 14 टीमें और एक मैच के खेल के वापस चली जाएं, नेचुरली उसका जो है ना इम्पैक्ट भी जो बुरा पड़ता है, जो प्लेयर आते हैं, मेरा भी एज ए स्पोर्ट्समैन भी मैं ये कहूँगा कि कम से कम इसके दो राउंड होते हैं और ये लीग मैच, लेकिन क्योंकि इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, जो भी फॉर्मेट है ये HEC ने बनाया हुआ है। शायद आपको इस बात का इलम नहीं है कि HEC ये सारे ये टूर्नामेंट्स कराने थे, उन्होंने फिर क्योंकि शायद उनके नामसाद हालात की वजह से उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना ये दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के डायरेक्टर स्पोर्ट्स मियां अमजद ने कहा कि सिस्टम बेहतर बनाने की ज़रूरत है और स्कूल कॉलेज की सतह पर हॉकी को फ़रोग दिए बगैर कौमी खेल को तरक्की नहीं दी जा सकती। तालीमी अदारों में इस खेल पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और चूँकि हमारा कौमी खेल है इसलिए दूसरे खेलों की नस्बत इसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और वक्त के साथ साथ खिलाड़ियों की ज़रूरियात जो हैं, सहूलियात जो हैं उसका तो वो बढ़ गई हैं, इसलिए सरबराह अदारा जो है उसे चाहिए कि वो इस खेल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे और मीडिया पर इसको ज़्यादातर दी जाए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी इस चैंपियनशिप को अगर लीग सिस्टम के तहत कराया जाता तो खेल और खिलाड़ी दोनों को फ़ायदा पहुँचता, लेकिन शायद फैसला करने वालों के पास ये सोचने का वक्त ही नहीं होता। कैमरामैन जायद मलिक के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।